हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक कनेक में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि नोको प्रिंट ऐप को प्रिंटर या मशीन से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, लेकिन वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए मैं इसमें के लिए आपको शॉर्ट में बताऊँगा जो मेन चीज़ होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दबाएं। तो देखिए, मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ये नोको प्रिंट ऐप आप जैसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना। तो जो आपकी डाटा केबल और यूएसबी लीड होती है, उसे जैसे कि आप अपने मोबाइल में लगाएंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यानी कि इस तरह से आप देख रहे हैं, आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, सेव एज पीडीएफ। तो ठीक है, कुछ दोस्तों ने मेरे को कमेंट भी किया था कि सर सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, तो हम उसे कैसे कनेक्ट करेंगे जो कि हमें अपनी मशीन या प्रिंटर से कनेक्ट करना हो। तो देखिए, कुछ नहीं, आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, सबसे कॉर्नर में नीचे यूएसबी ऑप्शन वाला। देखिए, एक तो दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वाई फाई वाला, उसके बाद में आपको दिख रहा है यहाँ ब्लूटूथ वाला, और एक और दिख रहा है नीचे कॉर्नर में, ये यूएसबी वाला होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं इसे टच कर रहा हूँ तो देखो थोड़ा आपको हाईलाइट दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और उसके बाद में आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ आपकी मशीन या प्रिंटर का नाम दिख जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अगर यहाँ पर नहीं दिखता है तो यहाँ आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है कॉर्नर में, कॉर्नर में ऊपर ये वाला रिफ्रेश वाला। तो जैसे ही आप इस पर रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश में होके आपका प्रिंटर का नाम आ जाएगा। नाम आके जैसे नाम आ जाएगा तो उसके बाद में आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको थोड़ा प्रोसेस आके और इसमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपको दिख रहा है यूज जनरेट, ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे ही आपको थोड़ा प्रोसेस मिलेगा, प्रोसेस होने के बाद में आपकी मशीन कनेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, कनेक्ट होने के बाद में आप अपनी मशीन से या प्रिंटर से कोई भी प्रिंट निकाल सकती हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दबाएं। दोस्तों, अभी ये थोड़ा प्रोसेस ले रहा है, प्रोसेस लेने के बाद में ये कनेक्ट हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपका मैसेज आ गया है प्रिंटर सेटअप का। ठीक है, प्रिंटर सेटअप का मैसेज आ गया, यानी कि प्रिंटर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, यानी आपका जो प्रिंटर कनेक्ट सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने प्रिंटर या मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको ओके करना होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको ऐड देखेंगे, ऐड होने के बाद में आप इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और जो आई मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों एक बात और, दोस्तों इस एप्लीकेशन पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, जो कि आप कोई भी चीज़, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख के आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी वीडियो की लिंक आप डाल दूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर फिर भी नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा आपको दोस्तों, तो वहाँ से भी आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं पूरी आपकी हेल्प करूंगा। दोस्तों थैंक यू।